एक्सप्लोर योरसेल्फ बैक टू बैक ऑनलाइन क्लासेस लाइव फ्रॉम पुरवजीत सर। आज ही सब्सक्राइब करें स्मार्ट क्लासेस गांधीनगर ऑनलाइन स्टडी। विद्युत ऊर्जा आपने सौ प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा तेमज विद्युत ऊर्जा वगैरे थी परिचित छे। रेडियो चालू करवा विद्युत ऊर्जा की जरूर पड़े छे। वीज पुरवठो बंद थई जाय त्यारे टीवी बंद थई जाय छे। ऊर्जाना बधा रूपोमां विद्युत ऊर्जा अगत्यनुं स्थान धरावे छे। तमारा घरमां टीवी, कॉम्प्यूटर, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर वगैरे जेवा अनेक उपकरणों विद्युत थी चाले छे। हकीकत में तो हॉस्पिटल, होटल, बैंक, दुकान, सिनेमा हॉल, शाला वगैरे दरेक जग्याए विद्युतनू साम्राज्य जोवा मळे छे। विद्युत ऊर्जाना विकासना 200 वर्षों में प्रथम 100 वर्ष विद्युत अंगेना प्रयोगों अने अवलोकनना हता। पछीना 100 वर्षों में विद्युत आधारित उपकरणों विकसावाया। प्रयोग करीने आपने विद्युत अंगेनु ज्ञान पूरु पाड़वामा इटालीना वैज्ञानिक वोल्टा अने गैल्वानी, ब्रिटनना वैज्ञानिक फेरेड अने हम्फी डेवी, फ्रेंच विज्ञानी एम्पियर अने जर्मन विज्ञानिक ओहम वगैरेनो फाळो महत्वनो छे। विद्युत ऊर्जा वडे मानवजात माटे विविध उपकरणों विकसाववानी शुरुआत ग्रेहाम बेल अने थॉमस आल्वा एडिसने अमेरिका मा करी हती। थॉमस आल्वा एडिसने પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન વિદ્યુતના બલ્બ, ચલચિત્ર કેમેરા, અવાજ રેકોર્ડ કરવા માટે ફોનોગ્રાફ વગેરે જેવા 1000 કરતા વધુ લગભગ 1300 જેટલા સંશોધનો કર્યા છે। વિદ્યુત પ્રવાહ અને પરિપથ આપણે હવાના પ્રવાહ અને પાણીના પ્રવાહથી પરિચિત છીએ। જે રીતે વહેતા પાણીથી નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ બને છે એ જ પ્રમાણે કોઈ વાહકમાંથી વિદ્યુતભાર વહેતો હોય ત્યારે તેને વિદ્યુત પ્રવાહ કહે છે। ટોર્ચમાં સેલ ટોર્ચના બલ્બને પ્રકાશિત કરવા માટે વિદ્યુતભારનો પ્રવાહ અથવા વિદ્યુત પ્રવાહ પૂરો પાડે છે। સ્વિચ ચાલુ હોય ત્યારે જ ટોર્ચ પ્રકાશ આપે છે। સ્વિચ વિદ્યુત કોષ તથા બલ્બ વચ્ચે વાહક કડી પૂરી પાડે છે। વાસ્તવમાં વિદ્યુત કોષ એટલે કે સેલ દ્વારા ઉત્પન્ન થતો વિદ્યુત પ્રવાહ બલ્બ સુધી વહે તે માટે સેલના બંને છેડા બલ્બના બંને છેડા સાથે જોડાયેલા હોવા જરૂરી છે। જ્યારે આપણે બલ્બના બંને છેડા સેલ સાથે જોડીએ છીએ ત્યારે સેલથી બલ્બ સુધીનો વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાનો માર્ગ પૂર્ણ થાય છે। આમ વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાના માર્ગને વિદ્યુત પરિપથ કહે છે। કોઈ પણ વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા વિદ્યુત કોષના ધન ધ્રુવથી ઋણ ધ્રુવ તરફ હોય છે। સેલના બંને છેડા બલ્બના બંને છેડા સાથે વાહક તાર વડે જોડાયેલા હોય તેવા પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહે છે અને બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે। આ પ્રકારના પરિપથને બંધ વિદ્યુત પરિપથ કહે છે। આથી વિપરીત વિદ્યુત પરિપથમાં સેલના બંને છેડા બલ્બના બંને છેડા સાથે વાહક તાર વડે જોડાયેલા ન હોય અને ગમે તે એક છેડો છૂટો હોય તો તે પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો નથી અને બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી। આને ખુલ્લો વિદ્યુત પરિપથ કહે છે। આમ વિદ્યુત પરિપથના બે પ્રકાર છે, એક બંધ વિદ્યુત પરિપથ અને બે ખુલ્લો વિદ્યુત પરિપથ। વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવવા માટે
विद्युत भार नु वहन थव जरूरी छे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस नी आजूबाजू गति करता होय अने प्रोटोन न्यूक्लियस में जकड़ायेला होय छे। सामान्य रीते तांबू चांदी एल्युमिनियम जेवी धातुना परमाणुओं नी छेल्ली कक्षा में रहेला इलेक्ट्रॉन अने न्यूक्लियस वच्चे नु आकर्षण प्रमाण में ओछू होय छे। आथी अभा इलेक्ट्रॉन ने मुक्त इलेक्ट्रॉन तरीके ओळखवामां आवे छे। विद्युत भारना वहन माटे अवा मुक्त इलेक्ट्रॉन जवाबदार होय छे। आम जे पदार्थों में विद्युत भार नु वहन सरळताथी थई शके तेने विद्युत सुवाहक कहेवामां आवे छे। उदाहरण तरीके तांबु चांदी अने एल्युमिनियम जेवी धातुओ वाहक पदार्थ कहेवाय छे। आथी विपरीत जे पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नथी तेमा विद्युत भार नु वहन थई शकतुं नथी तेमने विद्युत अवाहको कहेवामां आवे छे। उदाहरण तरीके रबर काच प्लास्टिक चामडू वगैरे विद्युत अवाहको छे। विद्युत प्रवाहना वहन माटे मुक्त इलेक्ट्रॉन जवाबदार छे। वाहक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन मोटी संख्या में होय छे अने तेओ तेमा अस्तव्यस्त गति करता होय छे। वाहक तारना कोई एक आडछेद एबी माटे कोई एक आपेला समयगाळा में जेटला इलेक्ट्रॉन एबी नी जमणी बाजुए गति करे छे तेटला इलेक्ट्रॉन तेनी डाबी बाजुए गति करे छे। आथी तेमनी सरेराश असर शून्य थाय छे। आथी वाहकतारमां मुक्त इलेक्ट्रॉन अस्तव्यस्त गतिमां होवाथी तेमां विद्युत प्रवाहनुं निर्माण थतुं नथी। हवे जो वाहकने बेटरी द्वारा ऊर्जा आपवामां आवे तो इलेक्ट्रॉननो प्रवाह एक दिशामां मेळवी शकाय छे। आथी आ वखते वाहकमां विद्युत प्रवाह रचायो तेम गणाय। इलेक्ट्रॉननी शोध थॉम्सने कर्या अगाउ वैज्ञानिको मानता हता के विद्युत प्रवाहनुं वहन धन विद्युत भारना वहनने कारणे मळे छे। आवा प्रवाहने रैवाजिक प्रवाह कहे छे। इलेक्ट्रॉननी शोध थया बाद जाणी शकायु के विद्युत प्रवाहनुं निर्माण इलेक्ट्रॉननी गतिने कारणे थाय छे। आम रैवाजिक प्रवाहनी दिशा इलेक्ट्रॉनना प्रवाहनी दिशा करता विरुद्ध लेवामां आवे छे। एकम समयमां वाहकना आडछेदमांथी वहेता विद्युत भारने विद्युत प्रवाह कहे छे। अर्थात विद्युत प्रवाह एटले विद्युत भारना वहननो दर। माटे विद्युत प्रवाह बराबर विद्युत भार छेदमा समय। जो विद्युत भार ने क्यू वड़े समय ने टी अने विद्युत प्रवाह ने आई संज्ञा वड़े दर्शाविए तो आई बराबर क्यू छेदमा टी। जो विद्युत भार ने कुलंब एकममा अने समय टी ने सेकंडमा दर्शाववामा आवे तो विद्युत प्रवाह नो एकम कुलंब छेदमा सेकंड बराबर एम्पियर मळे छे। ऊपरना समीकरण परथी स्पष्ट छे के जो एक सेकंड में एक कुलम जेटलो विद्युत भार वाहक माथी पसार थतो होय तो एक एम्पियर जेटलो विद्युत प्रवाह वहे छे तेम कहेवाय। फ्रेंच विज्ञानी एंड्रे एम्पियरे विद्युतना महत्वना प्रयोगो करी विद्युत प्रवाह मापवा माटे मीटर बनाव्या हता। विद्युत प्रवाह ने एम्पियर के ए वडे दर्शावाय छे। उदाहरण तरीके आई बराबर 10 एम्पियर अथवा आई बराबर 10 ए। विद्युत प्रवाहना नाना एकमो नंबर एक मिली एम्पियर अने नंबर बे माइक्रो एम्पियर छे। एक मिली एम्पियर बराबर 10^-3 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10^-6 एम्पियर। वाहक माथी वहेतो विद्युत प्रवाह एमीटर नामना साधन थी मापी शकाय छे। जो वाहकना आड़छेद माथी टी समय मा पसार थता इलेक्ट्रॉन नी संख्या एन होय तो विद्युत भार नो जत्थो क्यू बराबर एन ई थशे। समीकरण आई बराबर क्यू ना छेद मा टी मा क्यू बराबर एन ई लेता आई बराबर एन ई छेद मा टी थाय। ई बराबर 1.6×10^-19 कुलम जे एक इलेक्ट्रॉन नो विद्युत भार छे। जो एक विद्युत गोळो 2 कलाक सुधी 0.4 एम्पियर विद्युत प्रवाह थी प्रकाशतो होय तो ते गोळा माथी केटलो विद्युत भार पसार थतो गणाय। गणतरी आई बराबर 0.4 एम्पियर टी बराबर 2 कलाक बराबर 2×60×60 सेकंड बराबर 7200 सेकंड क्यू बराबर शोधवानुं छे। सूत्र आई बराबर क्यू ना छेद मां टी पर थी क्यू बराबर I×T थशे। सूत्र मां आई अने टी नी किंमत मुकता क्यू बराबर 0.4×7200 बराबर 2.88×10^3 कुलम्ब। माटे विद्युत गोळामांथी
2.88 × 10³ कूलम्ब विद्युत भार पसार थयो गणाय। एक टॉर्च ने बैटरी साथे जोड़ता टॉर्च ना बल्ब माथी 64 mA जेटलो प्रवाह वहे छे। जो आ टॉर्च ने 10 मिनिट माटे चालू राखवामां आवे तो बल्ब माथी कुल केटला इलेक्ट्रॉन पसार थया हशे। इलेक्ट्रॉन नो विद्युत भार ई बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। अहीं विद्युत प्रवाह आई बराबर 64 mA बराबर 64 × 10⁻³ एम्पियर। समय टी बराबर 10 मिनिट बराबर 10 × 60 बराबर 600 सेकंड अने इलेक्ट्रॉन नो विद्युत भार ई बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब छे। सूत्र आई बराबर एन ई छेदमा टी पर थी इलेक्ट्रॉन नी संख्या एन बराबर आई गुण्या टी छेदमा ई थाय। हवे आई टी अने ई ना मूल्यों लई गणतरी करता इलेक्ट्रॉन नी संख्या एन बराबर 24,000 × 10⁻⁶ એટલે કે 24 × 10⁻૧૯ ઇલેક્ટ્રોન મળે છે।